हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इसका नाम है मैजिक शॉप एंड आज का जो वीडियो है वो है मूवी द रूम। रूम एक अच्छी मूवी है, मुझे अच्छी लगी काफ़ी। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 8.1 आउट ऑफ 10 है। रॉटन टोमेटोज़ पे मूवी 93% फ्रेश है एंड मेटाक्रिटिक रेट है इसकी 86%। एंड इसको गूगल यूजर्स ने पसंद किया है 93%। सो मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मूवी ज़्यादा बड़ी नहीं है और आप उसको देखना है इसको तो आप उसको जाकर नेटफ्लिक्स में देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम साथ द एक्सप्लेनेशन, बट उससे पहले अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड साथ साथ कमेंट करिए। एंड कोई और मूवी है आप मुझे रिकमेंड करना चाहते हो तो उसको रिकमेंड भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक घर होता है जिसमें एक बच्चा होता है, उसका नाम होता है जैक और उसकी माँ, वो दोनों होते हैं इस घर में। एक अच्छी बात यह है कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक झरोखा होता है जो बिल्कुल टॉप पे होता है, जिससे उसकी स्काई लाइट एंड सनलाइट जो भी हो वो सब चीज़ें दिखा सके उसको एंड उनको बस रोशनी मिल सके। इस घर में कोई भी खिड़की नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, एंड दरवाज़ा है भी तो सिर्फ हमेशा लॉक रहता है, कोई उसको एक स्पेसिफिक पर्सन ही खोल सकता है। हम देखते हैं मूवी के स्टार्टिंग में जो जैक होता है वो एक स्टोरी सुना रहा था अपनी माँ को कि मैं दुनिया में आने से पहले माँ तुम पूरी जॉम्बी की तरह रो रही थी, तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, फिर मुझे हेवन से लोगों ने आकर तुम्हारे पास छोड़ दिया है। उठने के बाद में जितनी भी चीज़ें होती हैं हाउस होल्ड की सबको जैक गुड मॉर्निंग विश करता है। और ये दोनों इस घर में अकेले रहते हैं, कोई भी घर में आता नहीं है, जाता नहीं है सिवाय एक बंदे को छोड़ के। एंड साथ ही में दोनों अकेले क्यों रहते हैं ये मूवी की आपको कुछ टाइम बाद आपको पता चल जाएगा। एंड साथ ही देखते हैं कि इनका बाहर से किसी से कोई रास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, इनके पास कोई फ़ोन नहीं है जिससे किसी से बात कर सकें, मिल सकें। एंड सिर्फ और सिर्फ टीवी के थ्रू ये देख पाते हैं बाहर की दुनिया, बाहर के लोग क्या हो रहा है। एंड जब भी जैक उससे पूछता था कि मॉम ये दुनिया अलग है या फिर हमारी जैसी ही है, तो उस टाइम पर उसकी माँ उसको बोलती थी ये एक अलग प्लैनेट है, हम अलग प्लैनेट पर हैं। फिर हम देखते हैं कि आज जैक का बर्थडे होता है और उसकी मॉम जो का नाम है जॉय वो उसके लिए केक बनाती हैं, बट केक बनाने के बाद में उन्होंने कैंडल्स नहीं जलाए जिसके लिए जैक काफ़ी गुस्सा करता है एंड वो काफ़ी लिटरली बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तब उसकी मॉम उसको बोलती हैं ओल्ड एनिक आएगा तब उससे कैंडल्स मांगना संडे ट्रीट के साथ में। यहाँ पर ओल्ड एनिक कौन है आपको मैं जल्दी ही बताऊँगी। जो जैक होता है वो काफ़ी वीक होता है, उसके बाल बहुत बड़े हुए होते हैं एंड पूरी स्किन वाइट होती है एंड काफ़ी वो वीक दिखता है हमको। वो सिर्फ बच्चा ही है बट वो काफ़ी वीक है। साथ दिखाते हैं उसकी मॉम जॉय जो होती हैं वो भी बहुत वीक होती हैं, डिप्रेस्ड होती हैं एंड वो दोनों के लिए सिर्फ वो रूम ही उनका पूरा दुनिया था। जॉय हमेशा अपने बेटे को जैक को कन्विंस कर देती है कि जो दुनिया है बाहर की, फूल, पौधे, घर, लोग, मेकअप, जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक अलग प्लैनेट है और ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, यही रियल दुनिया है हमारी। फिर हम देखते हैं दोनों माँ बेटे अपना डेली का रूटीन करके रात को सोते हैं। जैसे ही जैक अपना एक उनके पास कबर्ड था, उस कबर्ड में सोता था वो, एंड हमें दिखाते हैं जैसे ही सोता था वहाँ पे आता था ओल्ड निक। देखते हैं जैसे ही ओल्ड निक अंदर आता है उसको रियलाइज़ होता है कि आज बर्थडे है जैक का, तो वो बोलता भी है कि एक मुझे अगर होता मालूम तो मैं इसके लिए कुछ गिफ्ट लेके आता। वहीं हम देखते हैं जैसे ही गिफ्ट सुनता है जैक अंदर कैबिनेट से वो उठ जाता है और वो सोचता है कि नहीं जैसा भी है ओल्ड निक अच्छा इंसान है, हमारे लिए गिफ्ट्स लाता है, सामान लेके आता है। उसके जाने के बाद में देखते हैं हम कि जैक बाहर आता है, अपनी मॉम को बोलता है नेक्स्ट मॉर्निंग कि मुझे एक गिफ्ट चाहिए और वो छोने डॉग होना चाहिए, और ओल्ड निक को बोलो वो लेके आएगा हमारे लिए, वो बहुत अच्छा इंसान है। ये सुन के हम देखते हैं फर्स्ट टाइम जो जॉय होती है बहुत गुस्सा करती है, चिल्लाती है उसके ऊपर, प्यार से उसको मना भी लेती है। फिर सीन चेंज होता है, देखते हैं हम कि नेक्स्ट डे ओल्ड निक सामान लेके आता है और उसमें बहुत सारे सामान होते हैं एंड उसमें एक विटामिंस की गोली नहीं होती जिसके कारण जॉय उसको बहुत गुस्सा करती है कि मुझे ये चाहिए और तुमको पता नहीं है लाना चाहिए तुमको, हम बहुत वीक हो रखा है जैक। ये सुनने के बाद में जो ओल्ड निक होता है बहुत गुस्सा करता है, बोलता है मेरे पास जॉब नहीं है 2 महीने से, पैसे नहीं है, मैं जो ला रहा हूँ उसी में तुम लोग खुश रहो। देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल होता है, दोनों अपने नॉर्मल रूटीन करते हैं। फिर दिखाते हैं रात को जैसे ही ओल्ड निक आता है उससे पहले ही जो जैक होता है अपने क्लोजेट में सो चुका होता है एंड सुनो दिखते हैं वहाँ से जाग रहा होता है वो थोड़ा थोड़ा, पर वो ऐसे दिखाता है कि मैं सो रहा हूँ। वहीं दिखाते हैं दोनों जॉय एंड ओल्ड निक दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशन चल रहे होते हैं उस टाइम पे, कुछ टाइम पर वो सो जाते हैं एंड जैसे वो सोते हैं वहाँ पे आता है जैक। जैक को देख के जैसे ही वो उठता है ट्राई करता बात करने के लिए उससे ओल्ड निक, इतने में वहाँ पे जॉय होती है वो आती है उसको अंदर अपने पास खींच लेती है एंड ओल्ड निक को बहुत मारती है उस टाइम पर थप्पड़ थप्पड़। एंड यहाँ हम देखते हैं जान पाते हैं कि जो जॉय होती है वो जैक को ओल्ड निक के पास जाने नहीं देना चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि जो ओल्ड निक है वो
बहुत बेकार इंसान है, फालतू इंसान है, एंड जो जैक है वो सिर्फ मेरा बेटा है। वहीं देखते हैं जिसकी तरह से उसने मारा था ओल्ड निक को, उससे वो गुस्सा होता है, वहाँ चला जाता है एंड पूरे दिन के लिए उनकी लाइट और हीट सप्लाई बंद कर देता है, जिससे पूरे दिन उनको ठंड में रखना पड़ता है। फिर हम देखते हैं जो जॉय होती है वो डिसाइड करती है कि मैं अपने बेटे को सब कुछ बताऊंगी कि यहाँ बाहर दुनिया कैसी है, क्या है और ये प्लैनेट नहीं है। वो उससे बातें करती है, उसको बोलती है कि सब चीज़ें सच हैं, ये दुनिया जो होती देखते टीवी में वो सच हैं, ये सब चीज़ें ख़राब नहीं है, बुरी नहीं है, एंड तुम्हें जो कुछ मैं तुमको मैंने आज तक बताया सब कुछ झूठ है। ये सुन के पहले तो जैक सुन के लेता है, बाद में वो उसको बहुत गुस्सा आता है एंड वो फिर टीवी देखने बैठ जाता है एंड धीरे धीरे उसको रियलाइज़ होता है कि यहाँ सब चीज़ें सच हैं एंड वो दुनिया काफ़ी अच्छी हो सकती है। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद में जो जॉय होते हैं और जैक दोनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं कि ये सब चीज़ें सच होती हैं, समुंदर है, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, लोग रहते हैं, घर रहते हैं उनका अलग। फिर हम देखते हैं जो जॉय होती है वो एक प्लान बनाती है ताकि वो ओल्ड निक को ट्रिक कर सके और यहाँ से बाहर जा सके, साथ ही में अपने बेटे को भी प्लान में शामिल करती है और बोलती है मैं तुमको फीवर दिलाऊंगी बहुत सारे गर्म कपड़े रख के तुमको, ताकि तुमको फीवर आ जाए। फीवर आने के बाद में हम लोग ओल्ड निक जब आएगा उसको बोलेंगे तुमको फीवर हुआ है और तुमको डॉक्टर के पास लेके जाएगा। वहाँ जाने के बाद में वहाँ बहुत से लोग रहेंगे, डॉक्टर्स आएंगे, नर्सेस आएंगे, तुमको बस उनको हेल्प के लिए बोलना है और वो सब मिलके ओल्ड निक को पकड़ लेंगे और यहाँ हेल्प के लिए आएंगे हमारी, जिससे कि हम यहाँ से बाहर जा पाएंगे। ये सुनने के बाद में जो जैक होता है काफ़ी डर जाता है क्योंकि उसको कभी उसने बाहर के लोगों को देखा नहीं है, बात नहीं किया है, मिला नहीं है, बट उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती है जॉय, जिससे वो मान जाता है एंड उसको बहुत से कपड़े डाल के गर्म पानी गर्म करके उसको देके उसको फीवर आ जाता है जैक को। इसे दिखाते हैं ओल्ड निक घर पे आता है और जैसे ही देखता है कि उसको फीवर है वो चेक करता है और बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं कल मेडिसिन ला के दे दूँगा तुमको और ये ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद में जो जॉय होती है काफ़ी सैड हो जाती है एंड उसको लगता है कि मेरा प्लान इधर पे फ्लॉप हो गया और फिर वो इमेजिन करती है 7 साल पहले की दुनिया जब वो एक टीनेजर थी। वो स्कूल से आ रही थी, इतने में किसी ने आदमी ने कहा कि मेरी हेल्प करो, मेरी डॉग की तबीयत ख़राब है और वो उसकी हेल्प के लिए आती है। उतने में ही वो आदमी उसको किडनैप कर लेता है एंड उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में इस घर में आने के बाद में उसको प्रेग्नेंट होती है वो और उसको एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है जैक और वो अब वो 24 ईयर्स की है, यानी 7 साल से वो इसी घर में कैद है। देखते हैं जो जॉय होती है वो काफ़ी डिस्परेट होती है बाहर जाने के लिए, इस घर से निकलने के लिए। वो फिर से प्लान बनाती है और जैक को बोलती है तुमको ये कारपेट में लपेटूंगी, तुमको मरे हुए की एक्टिंग करनी है और जैसे ही बाहर जाओगे गाड़ी जैसे ही चालू होगी तुम उस कारपेट से बाहर निकल कूद जाना। और उसको बहुत ट्रेनिंग देती है और जैक काफ़ी डरा रहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत रोता भी है, बट वो उसकी बात नहीं सुनती, उसको कन्विंस करती है, उसको मनाती है, वो मान भी जाता है और ऐसा करते भी हैं वो लोग। जैसे ही ओल्ड निक आता है वो कारपेट में बांध देती है, अनुरोध बोलती है सब कुछ ट्रेनिंग देने के बाद में उसको बोलती है तुम जाओ अभी, ओल्ड निक आ रहा है। जैसे ओल्ड निक आता है अंदर वो बोलती है कि मेरा बेटा मर गया, तुमने दवाई नहीं दिया मेरे बेटे को, सब कुछ बोल के उसको काफ़ी उसको फील गिल्ट फील कराती है ताकि तुमको इसको डॉक्टर के पास लेके जाए, बाहर लेके जाए और साथ ही उसको बोलती है इसका अच्छे से फ्यूनरल करना। जो ओल्ड निक होता है वो बोलता है मुझे चेक करना है इसको, बट वो उसको बहुत ही स्मार्टली उसको बोलती है नहीं चेक मत करो, मेरा बेटा मर चुका है, इसको हाथ मत लगाओ, इसको जाओ, उसका सिर्फ तुम अंतिम संस्कार कर दो। फिर देखते हैं जैसे ओल्ड निक उसको उठाता है लेके जाता है वहाँ से एंड जैसे गाड़ी में रखता है उसको कारपेट से बाहर आता है, देखता है भारत दुनिया, सारी दुनिया, लोग, आसमान, वो काफ़ी शॉक्ड होता है सब कुछ देख के एंड साथ ही में जैसे ही वो गाड़ी थोड़ी स्लो होती है वहाँ से जंप मार देता है। जैक जंप मार रहा होता है तब उसको ओल्ड निक देख लेता है और उसको पीछे आता है। वह देखते हैं कि एक आदमी से टकराता है जैक और आदमी उसको पूछता है क्या हुआ, ठीक हो तुम, बट जैक उसको कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो फर्स्ट टाइम किसी इंसान से बात कर रहा था। वह दिखाते हैं ओल्ड निक आता है उसको पकड़ के ले जा रहा होता है वहाँ पे एंड अब वो जो आदमी होता है वो बोलता है हेल्प चाहिए, डू यू नीड हेल्प, डू यू नीड हेल्प, ये सुन के ही हेल्प वर्ड जैक को माइंड में ट्रिक करता है और वो बोलता है हेल्प हेल्प हेल्प। जैसे चलाता है बच्चा वहाँ पे उतने में वहाँ पे जो आदमी होता है वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, ओल्ड निक वहाँ से भाग जाता है। ओल्ड निक का बच्चे को खींच के लेके जाना और लोग का जमा हो जाना इस चीज़ों से ओल्ड निक काफ़ी डर गया था और वहाँ पे उसको छोड़ के भाग जाता है एंड जब पुलिस आती है देखती है वहाँ पे बच्चे को, उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता बस कुछ चीज़ों के अलावा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम किसी इंसान से बात कर रहा था तो वो काफ़ी डरा हुआ भी था। तो जो लेकिन पुलिस लेडी ऑफिसर थी वो काफ़ी उसको अच्छे से बात करती है, पूछती है और वो बहुत स्मार्टली उससे सब चीज़ें निकालती है कि मैं कहाँ था, तुम कहाँ रहते थे, तुम कहाँ थे, तुम्हारे पास कौन था, क्या था, सब कुछ उसको बताता है कि हाँ मैं जहाँ था वहाँ पर कोई विंडो नहीं था, सिर्फ स्काई लाइट आती थी वहाँ पर एंड वहाँ मेरी माँ रहती थी, वहाँ सिर्फ एक गेट था जिसको वो कोर्ट से खोलता था, वो भी सिर्फ ओल्ड निक खोल सकता था उसको और कोई नहीं खोलता था, और जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो वहाँ पे
थर्ड टर्न, जब थर्ड टर्न आई तभी मैं वहाँ पे जंप कर सका। उसके पहले वहाँ पे जंप करने का बहुत ट्राई किया बट नहीं कर सका। ये सब सुनने के बाद में जो लेडी ऑफिसर थी उसने अंदाज़ा लगा के उस जगह का वो किया, वहाँ पे उस जगह के बारे में पता लगाया और वहाँ पे गई। जाने के बाद में वहाँ पे बहुत सी टीम अपनी लेके आई, टीम वालों को भी, एंड उस घर को फाइनली तोड़ के रेस्क्यू कर सकी, उसकी मॉम को भी, जॉय को। यानी जॉय जैसे ही बाहर आती है वो जाके जैक को गले लगा देती है, बहुत रोने लगती है, उसको थैंक यू बोलती है, तुम्हें मेरी जान बचा ली, तुम्हारे वजह से आज हम सब बाहर हैं। फिर दिखाते हैं, दोनों जाते हैं हॉस्पिटल अपने ट्रीटमेंट के लिए। जाने के बाद दिखाते हैं कुछ टाइम बाद में जो ओल्ड निक था उसको भी पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं वो दो तीन दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, जहाँ पे जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं अमेरिकन लॉ के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि जॉय को वहाँ पे जो चैरिटी वाले होते हैं, जो अनाथ आश्रम होते हैं, वहाँ देना चाहिए क्योंकि वहाँ पे इसके अच्छे से केयर हो पाएगी, तुम खुद भी डिप्रेशन से हो। पर जॉय होती है वो साफ ना रहती है कि मुझे नहीं देना अपने बेटे को कहीं पर, मैं अपना बेटे खुद संभाल सकती हूँ, पाल सकती हूँ। फिर हम देखते हैं डॉक्टर जो होते हैं वो कुछ कपड़े देते हैं पहनने के लिए जैक को, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इस दुनिया में आया था, मतलब कि ये बाहर की दुनिया देख रहा था, तो उसको ग्लासेस, मास्क, कपड़े देते हैं वो लोग पहनने के लिए। वहाँ पे देखते हैं जॉय के पेरेंट्स आते हैं उसको ले जाने के लिए, उस कपड़े पर पहन के जाते हैं, घर से निकलते हैं, एंड जहाँ पर जॉय का चाइल्डहुड बीता था वहाँ जाते हैं वो लोग, चाइल्डहुड वाले घर में, एंड वहाँ पता चलता है उसको जाके कि उसके पेरेंट्स साथ नहीं रहते, उनका डिवोर्स हो चुका है, वो अलग रहते हैं। एंड साथ ही में उसको पता चलता है कि उसकी माँ का एक बॉयफ्रेंड है जो उसका नाम है ली, वो उसके साथ रहती है, वो उसके फादर साथ रहते नहीं है, वो कभी कभी मिलने आते हैं बस। और वो दिखाते हैं टीवी में इसकी जो न्यूज़ थी 7 साल कैद रहने की, किडनैप रहने की, वो न्यूज़ काफ़ी फेमस हो गई थी वहाँ पे, काफ़ी फैल गई थी, एंड दिन भर घर के सामने न्यूज़ वाले रहते थे और वहाँ बहुत से लोग घर पे आते हैं जो उनको कंग्रेचुलेट करते हैं। साथ देखते हैं रात के टाइम पे डिनर के लिए सब बैठे होते हैं, एंड जो जॉय के फादर होते हैं काफ़ी अजीब बिहेव करते हैं, वो बिल्कुल भी जैक की तरफ देखते नहीं है, अपना खाना सिर्फ खा रहे होते हैं। इस बात को लेके काफ़ी दोनों बहस होती है, एंड जो जॉय के फादर थे वो बोलते हैं मैं इसको अपना बेटा या अपना पोता नहीं मान सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद में जॉय और जैक भी वहाँ से जाते हैं, एंड जो उसके फादर थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं हम देखते हैं जो जैक होता है वो घर में एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है, एंड वो कंटिन्यूसली जब से इस घर में आया होता है अपनी मॉम को बोलता है इस घर से चलते हैं उसी रूम में, वही रूम हमारे लिए अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि जो जॉय होती है उसको भी घर में कंफर्टेबल फील नहीं होता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं 7 ईयर्स पहले इस घर में थी, तब मैं 17 ईयर्स की थी, अब मैं काफ़ी बड़ी हो चुकी हूँ, मेरे साथ इतनी चीज़ें हो चुकी हैं, कितना कुछ मैं फेस कर चुकी हूँ। फिर वो एक एल्बम देखती है जिसमें उसके फ्रेंड्स की फ़ोटोज़ होती हैं जो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, काफ़ी कुछ अचीव कर चुकी हैं, और वो यहाँ पे है। ये सब देख काफ़ी डिप्रेस होती है, वो अपनी मॉम से लड़ाई करती है क्योंकि उसको लगता है कि ये सब चीज़ें मेरी मॉम की वजह से हुई है मेरे साथ में। ये दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में कि वहाँ पे एक उसका फैमिली लॉयर आता है जो जॉय को सजेस्ट करता है कि तुम अपनी पूरी स्टोरी एक न्यूज़ में इंटरव्यू के थ्रू दो, और वहाँ पे जैसे तुमको होगा कि तुमको क्लोजर मिलेगा, तुमको फाइनेंशियली भी काफ़ी तुम स्ट्रांग हो सकती हो उससे। ये सुनने के बाद में जॉय काफ़ी सोचती है, फिर वो रेडी होती है इंटरव्यू देने के लिए। पर यहाँ पे जो होता है इंटरव्यू जो लेने आती है लेडी, वो काफ़ी स्मार्ट होती है, उसने उससे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया कि जब तुम वहाँ उस घर में रह रहे थे 7 साल अकेले, तो तुम्हें कभी फील नहीं हुआ कि मैं अकेले इस घर में क्यों रह रही हूँ, या फिर मैं रह रही हूँ तो ठीक है मेरी किस्मत है, बट तुमने अपने बच्चे को वहाँ क्यों रखा, अपने लिए या अपनी कि हाँ मेरी कोई कंपनी चाहिए इसे तुमने बच्चे को अपने पास रखा, तुम चाहती तो तुम अपने बच्चे को एक अडॉप्शन सेंटर में डाल सकती थी उसको, ताकि वहाँ पर उसको अच्छी लाइफ मिले, अच्छी ज़िंदगी जिए, जो तुमने फेस किया वो फेस ना करे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। ये सब सुनने के बाद में जो जॉय होती है काफ़ी गिल्ट फील करती है, कहीं ना कहीं मैंने अपनी बेटे को अपने लिए वहाँ रखा, मुझे इसको चाइल्ड सपोर्ट में भेजना चाहिए था, और मैंने इसको सब चीज़ें सोचते सोचते काफ़ी डिप्रेस फील करती है वो जो जॉय होती है काफ़ी डिप्रेस रहती है, सोचती रहती है कि मैंने ऐसा सच में किया है, क्या मैंने अपने बेटे को यूज़ किया है, इसलिए सोचते सोचते 2-3 दिन तक सोचती है वो, और फिर डिप्रेस रहती है और वो फाइनली सुसाइड करने का ट्राई करती है। उसके बाद देखते हैं कि जो लियो होता है एंड जो उसकी जॉय की मॉम होती है, दोनों मिलकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, वो हॉस्पिटलाइज रहती है 2-3 दिन तक, काफ़ी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल रहती है उसकी, एंड वहाँ जो उसका बेटा होता है जैक उसको मिस कर रहा होता है, एंड लियो के साथ उसकी दादी के साथ में काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है, एंड धीरे धीरे चीज़ों के साथ में एडजस्ट करने का ट्राई करता है। फिर हम देखते हैं जो जैक होता है अपने हेयर्स कट करता है और बोलता है कि नानी को कि जाके मेरी मॉम को दे दो, ये मेरे बाल ही मेरे स्ट्रेंथ हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, एंड साथ ही में बोलता है कि आप मेरे हेयर्स कट कर दो अच्छे से। फिर देखते हैं कुछ दिन के बाद जॉय वहाँ से वापस आती है हॉस्पिटल से, वो ठीक हो चुकी होती है, एंड आके अपने बेटे को सॉरी बोलती है एंड थैंक यू बोलती है कि तूने मेरी जान फिर से बचाई है, एंड हम देखते हैं दोनों माँ बेटे कैसे दुनिया में एडजस्ट कर रहे होते हैं एंड कैसे लोगों से मिंगल हो रहे हैं, जॉय को उसकी बाकी चीज़ों से घूमना फिरना, बाहर लोगों से मिलना, और जैक के भी फ्रेंड्स बन रहे थे जिनके साथ वो खेलता था, बातें करता था,
एंड एक दिन देखते हैं हम कि जो जैक होता है मॉम को बोलता है मुझे उस रूम में जाना है। उसके बाद सुन के जो जॉय होती है वो लेके जाती है उसको, कुछ वहाँ पे पुलिस वाले भी होते हैं साथ में उनके, जाके वहाँ पे वो सब चीज़ों को गुड बाय बोल के वापस आता है घर में अपनी अपनी नानी के साथ रहने के लिए। एंड दोनों हैप्पीली अपनी लाइफ इन्जॉय कर रहे होते हैं एंड मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइस मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी, कैसे एक छोटे बच्चे की एक्टिंग इतनी ऑसम होती है, उसको बहुत से अवार्ड्स मिलते हैं एंड उसको ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। एंड मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे, इन लोगों की पूरी स्टोरी कॉन्सेप्ट काफ़ी न्यू लगा मुझे। एंड आई होप आपको मूवी पसंद आएगी। इसको लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करिए। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।